औद्योगिक नगरी पानीपत में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला संभाल का ब्लॉक का है, जहां जीटी रोड स्थित एसबीआई के बाहर खड़ी बाइक पर बैग में 1 लाख रखे थे, जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल यह बैग गांव खोजकीपुर के रहने वाले जेई का था। पीड़ित ऋषिपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह HVPNL में बतौर जेई की पोस्ट पर गांव बिहोली में कार्यरत है। क्या कुछ मामला है? सर, मैं सवेरे आया था 10 बजे बैंक में, SBI में, तो मैंने चेक से 1 लाख रुपये निकलवाए। तो निकलवा के मैं बाहर निकलिया, उसमें थैले में जो बाइक पर थैला लग गया, उसमें मैंने पैसे और चेकबुक और पासबुक उसमें डाल दिए। और फिर मैं बाज़ार में आया नवीन ट्रेडिंग कंपनी पे, रेलवे रोड पे, तो वहाँ पे मैं बाइक खड़ी करके और फोन आ गया, फोन सुनने लग गया। तो जो ही मैं 2 मिनट के बाद वापस टर्न किया, वहाँ पे अपना थैला निकाले, इसमें पैसे हैं, सामान बाद में लूँगा, तो उसमें पैसे घूम मिल गए। उनके प्लाट में दीवार बनाने का काम चल रहा है। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे उन्होंने जीटी रोड स्थित SBI बैंक में चेक के माध्यम से 1 लाख रुपये निकलवाए और बैंक के बाहर खड़ी उनकी बाइक में बैग में एक सफ़ेद रंग की पॉलिथीन में रख दिए। उसके बाद वह ट्रेडिंग की दुकान के पास रेलवे रोड पर पहुंचे तो उनके पास किसी की कॉल आ गई और वह फ़ोन पर बात करने लगे। 2 मिनट बाद उन्होंने मुड़कर देखा तो बैग में पैसे का थैला नहीं था, जिसके बाद उन्होंने संभाल का पुलिस चौकी में शिकायत दी और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर जाँच के लिए पहुँचे। चौकी इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही जिस पर मौके पर पहुंचकर लोगों से जानकारी ली गई। हाँ, एक ऋषिपाल जेई है जो HVPNL में, उसने SBI बैंक से 1 लाख रुपये निकाले थे और वो थैले में डाल कर अपना बाइक पर चला है। वो बाइक थैले से किसी ने चोरी की है, वो कंप्लेंट हमें मिली थी, उसमें FIR दर्ज हमने करा दी और मेरे पुलिस वगैरह लगा रहे हैं, जल्दी करेंगे। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।